दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फुल बॉडी वर्कआउट यानी ऐसे वर्कआउट के बारे में बात करेंगे जिसमें आप अपने घर पे रहकर और सारी मसल्स अपने शरीर की एक एक मसल्स को ट्रेन करके अपनी पूरी बॉडी को मस्कुलर बना सकते हैं। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, आते हैं अपनी एक्सरसाइजेस पे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना बहुत जरूरी है, तभी आपकी बॉडी सही से गर्म हो पाएगी और आप एक्सरसाइज सही से कर पाओगे। वार्म अप में आप लोग स्पॉट रनिंग कर सकते हो या फिर आप लोग जंपिंग जैक कर सकते हो जिससे आपका शरीर थोड़ा गर्म हो जाए। 1 से 2 मिनट आप लोग ये कर लोगे उतना ही काफी है। उसके बाद में जो हमारी पहली एक्सरसाइज होगी वो हमारे पैरों के लिए यानी लेग्स के लिए होगी। देखो लेग्स को मैं पहले ही बता चुका हूं, ट्रेन करना सही से तभी आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, तभी आपकी मसल्स बन पाएंगी। इसमें हम लोग कौन सी एक्सरसाइज करेंगे फॉरवर्ड लंजेस, जिसे हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। आप लोग फॉरवर्ड लंजेस कर सकते हो, कम से कम 20 से 25 रिपीटेशन जरूर करना। और आप लोग अगर चाहते हो कि थोड़ा सा आप लोग इसमें मेहनत लगे तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपने शरीर पे किसी भी बैग को ले सकते हो, उस बैग में कोई भी भारी चीजें डाल के और कुछ इस तरीके से लंजेस कर सकते हो। ये आपके पैरों के लिए काफी अच्छी एक्सरसाइज है, 20 से 25 रिपीटेशन जरूर करना। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज की बात करेंगे जिसमें हम अपने चेस्ट मसल्स को ट्रेन करेंगे, साथ में हम अपने ट्राइसेप को भी ट्रेन करेंगे। चेस्ट मसल्स को ट्रेन करने के लिए एक बात का ध्यान रखना, जो आप लोग पुशअप लगाते हो तो उसमें एक बात का ध्यान रखना कि लगाना है पॉज पुशअप। पॉज पुशअप कैसे लगाते हैं, जब आप लोग नीचे आना तो एकदम धीरे धीरे नीचे आना और थोड़ी देर के लिए 1 से 2 सेकंड के लिए रुकना, उसके बाद एकदम से ऊपर जाना जिससे आपकी जो चेस्ट मसल्स है वो स्क्वीज हो, तभी आपकी ये मसल सही से ग्रो हो पाएगी। साथ में हम लोग ट्राइसेप की एक्सरसाइज करेंगे। कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम लोग डायमंड पुशअप करेंगे, अपने हाथों को एकदम पास पास लाके और इस तरीके से पुशअप को करेंगे। अगर अभी आप लोग बिगनर हो, अभी शुरुआत कर रहे हो तो 5-10 ही निकालना, लेकिन अगर आप लोग कुछ दिन से कर रहे हो तो दोनों ही पुशअप के, जो चेस्ट वाला पुशअप है उसके भी 25 रिपीटेशन करना और जो आपका ये डायमंड पुशअप है इसके भी 25 रिपीटेशन आप लोग करना। उसके बाद अपने अगले बॉडी पार्ट पे आते हैं जो कि हमारा बाइसेप होने वाला है। देखो बाइसेप सभी को बड़े पसंद होते हैं, तो बाइसेप की एक्सरसाइज घर पे हम कैसे करें, कोई भी ऐसी चीज ले सकते हो जो थोड़ी सी भारी हो, कोई भी बैग ले सकते हो या फिर सबसे अच्छी चीज होती है कि कोई भी बॉटल आप लोग ले सकते हो जिसमें पानी भर के आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हो। इसमें आप लोग क्या चीज ध्यान रखना, जब बाइसेप को बड़ा करने की बात आती है तो इसमें भी हम हल्का सा पॉज लेते हैं, मतलब जब अपने हाथों को ऊपर ले जाते हैं तो हल्का सा रोकते हैं, हल्का सा पॉज देते हैं। उसके साथ में जब अपने हाथों को नीचे लेके आते हैं तो धीरे 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 लेके आते हैं, इसको बोलते हैं कि जब हम नेगेटिव में अपने हाथ को लेके जा रहे हैं तो धीरे लेके जा रहे हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती है वो ज्यादा अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो पाती है और फिर रिलैक्स हो पाती है, जिससे हमारी मसल्स ग्रोथ तेजी से हो पाती है। तो बाइसेप की एक्सरसाइज आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, इसके भी कम से कम 20 से 25 रिपीटेशन लगाना आप लोग। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बॉडी पार्ट होगा वो होगा हमारी बैक मसल्स। देखो बैक मसल्स काफी बड़ी मसल्स होती है, इसको सही से ट्रेन कर लोगे तो चौड़ी बैक हो जाएगी और आपका जो शरीर है वो देखने में चौड़ा लगने लगेगा। बैक मसल्स के लिए कौन सी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, कुछ इस तरीके से आप लोग किसी भी बेंच के नीचे, किसी भी बेड के नीचे आप लोग आके और कुछ इस तरीके से एक्सरसाइज को कर सकते हो। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको करने से अगर आप लोग पुल अप नहीं कर पाते हो तो वो भी आप लोग धीरे धीरे करने लग जाओगे, क्योंकि आपकी जो बैक मसल्स है वो स्ट्रांग हो जाएगी तो आप लोग पुलअप्स भी लगाने लग जाओगे। इस एक्सरसाइज को आप लोग 20 से 25 रिपीटेशन करना घर पे ही। उसके बाद में जो अगली एक्सरसाइज होगी हमारी वो हमारे एब्स के लिए होगी और इसमें हमारे लेग्स भी ट्रेन होंगे। इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हम किसी भी सोफे के नीचे, किसी भी ऐसी चीज के नीचे जिसमें हमारा पैर आसानी से टिक जाए, उसके नीचे हम अपने पैर को डालेंगे और इस तरीके से एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। अब देखो ये एक्सरसाइज हमारी बैलेंसिंग एक्सरसाइज है, तो ये एक्सरसाइज क्या करती है, हमारी लेग्स मसल्स को तो ट्रेन करती ही करती है, साथ में हमारी एब्स मसल्स को भी ट्रेन करती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो डायरेक्टली हमारे एब्स को ट्रेन करेगी, जिसमें हम बाइसिकल क्रंच लगा सकते हैं। बाइसिकल क्रंच कुछ इस तरीके से लगाया जाता है, इसको लगाओगे तो आपकी जो एब्स मसल्स है, जो कोर मसल्स है, अगर आपके पेट में फैट है या चर्बी है तो वो भी कम होती है, मतलब इस एक्सरसाइज को करके आप अपनी एब्स को ट्रेन कर पाओगे। ध्यान रखना 20 से 25 रिपीटेशन लगाने हैं तभी ये हमारे ऊपर असर करेगा। उसके बाद बात करेंगे अगले बॉडी पार्ट की जो कि हमारे शोल्डर्स यानी कंधे। अगर आपके कंधे चौड़े होते हैं तो शरीर आपका चौड़ा लगता है, आप देखने में मस्कुलर लगते हो। इसको देखें इसमें कौन सी एक्सरसाइज हम करेंगे, इसमें हम करेंगे पाइक पुशअप। पहले वीडियोस में बता चुका हूं पाइक पुशअप कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उसके साथ में इसी में आप लोग क्या कर सकते हो, जो बाइसेप के लिए हमने बोतलों का इस्तेमाल किया था पानी भर के, उन्हीं बोतलों का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो अपने लैटरल डेल्ट के लिए, मतलब अपने बीच के कंधे को चौड़ा बनाने के लिए।
इस तरीके से एक्सरसाइज की जाती है। लेटरल रेजेस हम लोग परफॉर्म करेंगे, उसके साथ में आप लोग चाहो तो फ्रंट रेजेस कर सकते हो या फिर अपने रियर डेल्ट को भी, पीछे वाले जो कंधे हैं उसके मसल्स को भी ट्रेन कर सकते हो। ये सारी एक्सरसाइज करके आपके जो कंधे हैं वो काफी ज्यादा चौड़े हो जाएंगे। एक बात को ध्यान रखना कि जब घर पे एक्सरसाइज कर रहे हो, पहले ही बता चुका हूं, ज्यादा रिपीटेशन लगाने की कोशिश करना, 20 से 25 रिपीटेशन लगाना। अगर आप लोग अभी शुरुआत कर रहे हो, पहले नहीं किया है एक्सरसाइजेस, तो आप लोग ज्यादा रिपीटेशन मत लगाना, मतलब 10 से 12 ही लगाना, लेकिन धीरे धीरे रिपीटेशन को बढ़ाते जाना, तो आपकी जो मसल्स है वो धीरे धीरे ग्रोथ में बढ़ती जाएगी और आपकी मसल्स बनती जाएंगी। ये जितनी भी एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई, ये पूरा फुल बॉडी वर्कआउट आपके पूरे शरीर को ट्रेन करने के लिए बहुत अच्छा है। एक बात का ध्यान रखना, जैसे आज आपने फुल बॉडी वर्कआउट किया तो एक दिन का गैप देना, उसके बाद फिर फुल बॉडी वर्कआउट करना, फिर एक दिन का गैप देना। इस तरीके से करोगे तो आपकी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स भी हो जाएंगी और रिपेयर होने में भी उनको जो समय लगता है वो समय उनको मिल जाएगा और आपकी मसल्स ग्रोथ काफी तेजी से होने लगेगी। ये था आज का वीडियो, अच्छा लगा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।